हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन कैन एजुकेयर टुडे वी आर लर्निंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स दिस चैप्टर्स फ्रॉम योर टेंथ स्टैंडर्ड्स मैथमेटिक्स एन सी आर टी तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को तो so, आज हम देखेंगे मोड ऑफ ग्रुप डेटा इन द प्रीवियस लेक्चर हमने मीन देखा अभी हम मोड देख रहे हैं So, recall from class 9, a mode is that value among the observation which occurs most often. Okay, so that is the value of observation having the maximum frequency. We called it as a mode. Correct. So, further we discuss finding the mode of ungrouped data. Here we shall discuss ways of obtaining a mode of grouped data. It is possible that more than one value may have the same maximum frequency. In a such a situation, the data is said to be multimodal. Okay. Uh, Though group data can also be multimodal, we shall restrict ourselves to problems having a single mode only. Let us first recall how we find the mode of any group data through the following examples. So, here we go. example: the wickets taken by a bowler in ten cricket matches are as follow: two, six, four, five, zero, two, one, three, two, three. So, find the mode of the data. Let's form the frequency distribution table of the given table data as follow. So, here have a number of wickets 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of matches 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1. Okay. So, we to the frequency distribution table. Then, after that, clearly uh, 2 is the number of wickets. टेकन बाय द बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस ओके तो यहाँ पर देखिए टू यहाँ पर थ्री टाइम्स हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ओके सो इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड ऑफ लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज हियर वी कैन ओनली लोकेट एट अ क्लास विद द मैग्जिम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मोडल क्लास ओके द मोड इज अ वैल्यू इन द मोड क्लास मॉडल क्लास एंड इट्स गिवन बाय द बायूला मोड इज इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख के रखना है ध्यान में रखना है एल प्लस इन ब्रैकेट एफ वन माइनस एफ मल्टीप्लाई विथ एच अभी पर क्या है वेयर हैच इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एफ जीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास एफ टू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मोडल क्लास ओके इट इस कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से तो आपको समझ में आ जाएगा अ सर्वे कंडक्टेड ऑन ट्वेंटी हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन अ हाउस होल्ड तो नंबर ऑफ फैमिली सेवन है उसके लिए वन टू सेवन थ्री टू फाइव एट फाइव टू सेवन टू सेवन टू नाइन टू से नाइन टू इलेवन वन सो फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा हमें क्या करना है इसका मोड फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स द मैक्म क्लास फ्रीक्वेंसी इज एट एंड द क्लास करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रिक्वेंसी इज थ्री टू फाइव सो द मॉडल क्लास इज थ्री टू फाइव करेक्ट यहाँ पर मैक्म फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर दिख रही है सो थ्री टू फाइव यहाँ पर मॉडल क्लास हो जाएगा सो स्टूडेंट्स मॉडल क्लास इज इक्वल टू थ्री माइनस फाइव लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल टू थ्री साइज एच इज अ टू सो फ्रीकवेंसी एफ वन एट आ गया मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी एफ नॉट प्रिस मॉडल क्लास सेवन है देन एफ टू क्लास सक्सेडिंग द मोडल क्लास इज टू सो नाउ लेट सब्सिट्यूट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला सो यहां पर वैल्यू पुट करिए तो थ्री प्लस इन ब्रैकेट एट माइनस सेवन अपऑन टू मल्टीप्लाई विथ एट माइनस सेवन माइनस टू विकेट थ्री प्लस टू बाई सेवन इज इकुलट सिक्स ओके सो देयर फॉर द मोड ऑफ द डेटा अब इज थ्री पॉइंट टू एट सिक्स आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा ठीक है सो एग्जाम्पल सिक्स द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल ऑफ एग्जाम्पल नंबर वन ओके जो हमने देखा था फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा अल्सो कम्पेयर द इंटरप्रिट द मोड ऑफ द मीन ओके तो आपको क्या करना है आपकी नोटबुक ओपन करनी है और एग्जाम्पल नंबर वन जो है उसका टेबल आपको देखना है ठीक है सो रेफर द टेबल नंबर फोर्टीन पॉइंट थ्री एग्जाम्पल नंबर वन सिंस द मैक्म नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दट इज सेवन हैव गॉट मार्क्स इन इंटरवल फोर्टी टू फोर्टी फिफ्टी फाइव द मोडल क्लास इज 40 to 55. So, therefore, lower class limit here L jata hai model class 40, class size 15, frequency F1 here 7, F0 is equal to 3, F2 is equal to 6. Okay. So, here remarks kya hai? in example 6, the mode is less than the mean, but the sum of the exam problems in the mathematics be equal or more than the mean also. Okay. So, it depends upon the demand of the situation whether we are interested to find out the average marks obtained by the students or average or marks of the ऑफटेन by मोड एल ठीक है सो यहां पर मोड आ जाता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाई विथ एच तो वैल्यू इंसर्ट करना है तो मोड वी गेट फिफ्टी टू सो द मोड मार्क्स इज फिफ्टी टू एग्जाम्पल वन यू नो दैट मीन मार्क्स इज सिक्सटी टू सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टेन फिफ्टी टू मार्क्स वाइल ऑन एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ सिक्सटी टू मार्क्स Then students remark here in example number six the mode is less than the mean but for some other problems it may be equal or more than mean also okay it depends upon the demand of the situation whether we are interested in finding the average marks obtained by the students or average of the marks obtained by most okay of the students in the first situation the mean is required and the second situation the mode is required. Activity number three, continuing with the same groups as form in activity two and the situation assigned to the groups. Ask each group to find the mode of the data. They should also compare these with the mean and interpret the meaning of both. Okay. So remarkapardihan, the mode can also be calculated for group data with unequal class sizes. Okay. However, we shall not discuss uh, discussing it. Okay. तो आज हमने क्या देखा मोड देखा उसका फॉर्मूला हमने लर्न किया तो उसका फॉर्मूला क्या है यहां पर फिर से रिपीट कर लेते हैं मोड इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाई विथ एच ओके सो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू